समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी दिल में मस्तानी है थोड़ी है दीवानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 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 दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आँखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन झूठा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, थोड़ी मन में मजबूरी है थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू तू मैं है और थोड़ी खींचाता नहीं। हम में काफी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 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 दिल है हिंदुस्तानी, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। Well done, as usual. अनु जी, अंकिता, did you miss a beat? ट्रैक का बीट तुम से छूट गया था? I did. Yeah, that was the most worrisome part. But you still carried on. Performance was outstanding. You had the guts to come in front of our esteemed guest Anil ji. यहाँ आके तुमने ये परफॉर्मेंस देने की कोशिश की. You missed a beat. तुम सुर से जाने लगी. Then you realized तुम यहाँ से उतरी, यहाँ से आप अपने स्टेज पर पहुंची और तुमने पूरी पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा गाऊँ. Please start your rehearsals desperately in the right way. परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, सिंगिंग वुड हैव बीन बेटर, बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. और तुम नहीं जाओगी इंडियन आइडल से, तुम नहीं जाओगी. अलीशा, बिफोर आई से एनीथिंग, मैं कहना चाहती हूँ, यू नो आई हैव अ वेरी वेरी फेवरेट आंट एंड शी सेड व्हेन आई वांट टू बी रीबॉर्न, आई वांट टू बी रीबॉर्न एज अंकिता बिकॉज आई लव हर स्पंक एंड आई लव हर स्पिरिट एंड यू आर सच अ पावर हाउस परफॉर्मर. ओके, दैट्स वेरी नाइस. उदय जी, मुझे ऐसा लगा कि सुर में तो आप थी मगर जोश कम था. हम लोगों को समझ सको, ये था ना इसके, आपने ये गाया ना, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ये स्केल ऐसा चाहिए था तब मजा आता गाने में. सबसे पहले मैं अंकिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये खूबसूरत गुलाब का फूल दिया. थैंक यू वेरी वेरी मच. डेफिनेटली ये मेरे साथ भी हो चुका है जो आज अंकिता के साथ हुआ है. कभी कभी ये होता है कि मंच पे ऐसे लोग होते हैं और आप थोड़ा सा एक जहनी तौर पे एक स्ट्रेस रहता है कि सब बैठे हुए हैं, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा करना है. मैंने क्या किया था मालूम? मैंने ये किया था, मैंने वो परफॉर्मेंस बंद कर दी थी क्योंकि मैं भूल गया, इतना स्ट्रेस हो गया. बट आई मस्ट गिव यू फुल मार्क्स कि आपने बंद नहीं किया. You didn't stop it. Hats off to you. You have a great future. You're a great performer. And I'm sure you'll always have a lot of work. I promise you that. Thank you, sir. Wow. Well, that's some motivation to Ankita. Javed sahab. वो दोहराने की जरूरत नहीं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस ये लड़की करती है या जिस तरह की पर्सनैलिटी, जिस तरह का पर्सोना इस लड़की का, वो हिंदुस्तान में कम दिखाई देता है. लेकिन मैं आज आपके परफॉर्मेंस से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. आपकी सिंगिंग में आपने बीट मिस की, आपने एक फॉल्स स्टार्ट लिया, फिर आपको लगा कि ये जगह नहीं गाने की, आप रुक गई. एंड योर परफॉर्मेंस वॉज फ्रॉम योर स्टैंडर्ड वेरी ऑर्डिनरी, बहुत मामूली था. मुझे आज आपसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ. सॉरी सर. थैंक यू जजेस. आई थिंक अंकिता ने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि वो अपने ही स्टैंडर्ड को कभी कभी, ये होता है, दिस इज अ साइन दैट यू गोना बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल. नीचे गिरोगी तब ऊपर आओगी.
Really nice, Dipali. Lovely. तो दीपाली हमें बताइए कि आज आप क्या गा रही हैं और क्या सोच के आपने गाना सिलेक्ट किया है? आज मैं जो गा रही हूँ वो गाना है ढोल बजने लगा विरासत फिल्म से. मेरे गाने से आज सारे भारत में रंगों खुशियों और त्योहारों का रूप नजर आएगा. ढोल बजने लगा गांव सजने लगा कोई लौट के आया है संग अपने वो रंग कितने लाया है हो ढोल बजने लगा गांव सजने लगा कोई लौट के आया है संग अपने कभी छोड़ के पढ़ते हम पैया कभी हाथ कभी जोड़ के आने वाले नाव जाना कभी छोड़ के पढ़ते हम पैया कभी हाथ कभी जोड़ के जाने ना देंगे हम अब दिल तोड़ के अपना ये गाना आप ही ने लिखा है आपसे शुरुआत करें तो बेहतर होगा इत्तेफाक की बात ये है कि ये गाना इसका ड्यूट था उसका एक और हिस्सा था जो कि उदित जी ने गाया था और ये गाना जिसका कॉम्पोजिशन है वो भी यहीं मौजूद है अन्नू मलिक साहब तो ये तीन आदमी इस गाने से जो किसी ना किसी तरह से जुड़े थे वो यहाँ पर हैं सुनिए सुनिए एक को भूल गए हैं आप सुनिए एक को भूल गए आप चले बजा दीपाली की परफॉर्मेंस झकास लगी या नहीं एकदम झकास जावेद साहब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इनका गाना और बहुत अच्छा और बड़ी मिठास के साथ और बड़े फीलिंग के साथ इन्होंने गाया वेरी गुड थैंक यू सर परफेक्ट सिंगिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट थोड़ी और डायनामिक परफॉर्मेंस हो जाती तो
और भी चकाचक लगता। बट भारत की शान आप ही लग रही हैं। थैंक यू मैम। एक ही चीज की कमी लगी मुझे, थोड़े थ्रो कम था, यानी कि एनर्जी लेवल जरा कम था, बाकी बहुत ही अच्छा। दीपाली, तुमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर फीमेल इंडियन आइडल हमारे सामने है तो शायद वो तुम तो नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।